भारी बरसात के कारण प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मंत्रियों की देखरेख में आपदा राहत कार्यों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। बीते दिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिमला जिला के ठियो व जुब्बल कोटखाई सहित रोडू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उनके साथ शामिल रहे, जिसको लेकर शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 455 करोड़ का नुकसान हुआ है। विभाग द्वारा तत्परता के साथ स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सेव सीजन को ध्यान में रखते हुए सड़कों को भी सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है। भारी वर्षा के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसके अंतर्गत ही हमारा जिला शिमला भी काफी प्रभावित रहा है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछले कल हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, जो हमारे ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनका एक दिन का कार्यक्रम था, क्योंकि उनको माननीय मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारे जो रिलीफ के कार्य है और धरातल में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में एक फर्स्ट हैंड नॉलेज प्राप्त हो, और उसके अंतर्गत ही चाहे वो ठियोग विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जुबन्नावर कोटखाई की हो, और उसके उपरांत रोडू विधानसभा क्षेत्र का भी उनका कार्यक्रम था। और जो हमने देखा है उसके तहत जहाँ हमारे सभी विभाग अपने कार्य में तत्परता के साथ लगे हैं, हालांकि क्षति बहुत बड़ी है। अगर मैं जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, लगभग कोई 455 करोड़ के आसपास का नुकसान, जो हमारी आपकी सड़कों की बात हो, एनएच की बात हो, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कों की बात हो, चाहे हमारी पानी की स्कीमों की बात हो, घरों की बात हो, कोई खेत खलिहान घर नहीं रहा ऐसा छूता जहाँ पर क्षति ना हुई हो। और जैसे मैंने पहले कहा, विशेषकर जो हमारा ऊपरी शिमला का क्षेत्र है, तीन क्षेत्रों की तो मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, ठियोग जुब्बल कोटखाई और हमारा रोडू विधानसभा क्षेत्र, और इसके साथ लगते क्षेत्र चाहे चौपाल की बात हो, हमारी चाहे रामपुर क्षेत्र की बात हो, वहाँ पर विशेषकर ननखरी तहसील में काफ़ी क्षति हुई है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरह से स्थिति सामान्य हो। हालांकि अभी एक तरह से मात्र अभी महीने के आसपास की अवधि हुई है, जिसके उपरांत हमारा मानसून प्रारंभ है, अभी भी लगभग कोई 2 महीने शेष रहे हैं और जो क्षति हुई है लगभग कोई 8,000 करोड़ की, जहाँ पूरे प्रदेश की क्षति हुई और हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक जो प्रभावित ज़िले है उसमें ज़िला शिमला भी है। और हमारा पूरा प्रयास है, जहाँ हमारी मैं समझता एक प्राथमिकता है कि सारी बातें सामान्य हो। दूसरे दृष्टिकोण से भी एक चुनौती है, क्योंकि हमारा सेब सीजन भी इस प्राकृतिक आपदा के साथ साथ प्रारंभ हो चुका है, तो उससे संबंधित भी सारी बातों को मॉनिटर किया जा रहा है। सारी बातों का भी 2 बजे आज फिर मीटिंग रखी गई है कि किस तरह से जो हमारी वचनबद्धता सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की है कि हमारा सेब का चाहे अन्य हमारे कृषि और बागवानी के उत्पाद है मंडियों तक पहुँचे, हमारे किसान बागवान को अपने उत्पाद का मूल्य मिले, और उसके लिए जो हमारी यातायात के साधन है विशेषकर सड़कों की अगर मैं बात करूं, ये सारी कार्य बाधित ना हो इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री के आभारी भी है, जहां उन्होंने प्रथम चरण में लगभग 50 करोड़ के आसपास की राशि सड़कों के रखरखाव के लिए मुरम्मत के लिए स्वीकृत करवाई थी। दूसरे चरण में उन्होंने जो हमारे सेब भौली क्षेत्र है जहाँ पर आपका सेब सीजन प्रारंभ है उसके लिए लगभग कोई 23 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त राशि उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा है कि पैसे किस तरह की बाधा नहीं आएंगे, जो हमारे मुरम्मत के रिपेयर मेंटेनेंस के जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे हो, क्योंकि इस तरह की आपदा कभी ना देखी थी ना सुनी थी। लेकिन सरकार जहां अपने हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी दिन रात तत्परता के साथ कार्य करे है और जनता जनार्दन के सहयोग से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र ये सारी बातें सामान्य हों।